हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का हम टेंस कैसे पता करें। सेंटेंस को देखते ही हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये जो सेंटेंस बोला गया है या फिर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका टेंस क्या है, इसका काल क्या है। तो आज की वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेज हैं हिंदी के और ये कुछ सेंटेंसेज हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो हमें सीखना है कि अब जैसे ये सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, इनको यदि हम पढ़ें तो क्या हम इनको पढ़ते ही बता सकते हैं कि इनका टेंस क्या है, या फिर ये जो सेंटेंसेज हैं किस समय के लिए बोले गए हैं, इनमें जो काम बताया गया है वो किस समय के लिए बताया गया है, या फिर इंग्लिश के यदि इन सेंटेंसेस को हम पढ़ें तो इनको देख करके हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये जो सेंटेंसेस हैं वो किस टेंस के हैं, ठीक है, और कौन से टेंस का इस्तेमाल करके इनको बनाया गया है। तो आज की वीडियो के लास्ट तक जाते जाते आप ये सब कुछ सीख जाओगे। आप किसी भी वाक्यों को देखते ही बता दोगे कि ये किस टेंस का है, ठीक है। देखिए, टेंस में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ सीखना चाहते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और वो क्या है, वो है ये सभी वर्ड्स। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारे वर्ड्स हैं सर, यही तो याद नहीं होते हैं, इनको कैसे याद करें। देखिए, आपको याद करने का तरीका नहीं पता, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कि इनको किस तरह से अपने माइंड में बिठाना है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनको किस तरह से याद करेंगे और इन वर्ड्स की हेल्प से कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, वो किस टेंस का है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंसेज में, वो ये वाले हैं, डू डज, इज एम आर, हैज हैव और हैज हैव के बाद बिन। यदि आपको इनमें से कहीं पर कुछ भी दिख जाए, ठीक है, टेंसेज में जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट के जो सेंटेंसेज हैं उनको दिखाते हैं, ठीक है। यदि आपको डिड, वाज, वर, हैड और हैड बिन इनमें से कुछ भी दिख जाए किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो ये हमें किसके बारे में बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। और यदि आपको कहीं पर भी विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बिन दिख जाए, तो मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। अब आपसे कोई पूछने लगे कि भैया ये सेंटेंस है, बताओ ये कौन से टेंस का है, ठीक है, आपको सबसे पहले उसमें ये देखना है कि उसमें इनमें से कोई वर्ड है या नहीं है। मान लो उसमें आपको दिख जाए वाज वर्ड, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पास्ट का है। उसमें आपको दिख जाए डिड, तो पता लग जाना चाहिए कि ये किसका है, आपका पास्ट का है। यदि उसमें डू डज दिख जाए तो पता लग जाना चाहिए कि ये किसका है, प्रेजेंट का है, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी चीज़ों से आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो कब का है। चलो, ये तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हमें सिर्फ ये वाले वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, इतना तो आप कर भी लोगे, मुझे पता है। लेकिन यदि हम प्रेजेंट में देखें कि इंडेफिनिट में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस में किस तरह के आते हैं, परफेक्ट में किस तरह के आते हैं और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में किस तरह के आते हैं, तो देखिए ये जो डू डज है ना, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। ये जो डिड है ये इंडेफिनिट में आता है, किसके में, पास्ट के में। विल किस में आता है, इंडेफिनिट में, किसके में, फ्यूचर के में। इस तरह से आपको इस टेबल को रट लेना है। देखिए, ये जो टेबल है ना, आपको रटनी है। रटनी कैसे, इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले प्रेजेंट के सभी वर्ड्स को याद कर लो, पहले ये पहचानो कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। जब आप इतना पहचानने लगो, उसके बाद ये देखो कि अच्छा, ये प्रेजेंट का तो है, लेकिन प्रेजेंट में किसका है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूअस का है, कहीं ये परफेक्ट का तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहचाननी है। एक बार जब आप इनको ऐसे याद कर लोगे तो आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा टेंस है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, मैंने इनके साथ साथ इनके वर्ब की फॉर्म्स भी लिखी हुई हैं, ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म्स से भी हम पता लगा सकते हैं। वैसे देखिए, वर्ब की फॉर्म से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ज़्यादा जानकारी तो हमें इनसे ही मिलेगी, लेकिन फिर भी यदि हमें वर्ब की फॉर्म्स याद हैं और वर्ब की फॉर्म्स के साथ भी हम यदि थोड़ा बहुत अंदाजा लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। इंडेफिनिट में किस किस के साथ, डू डज के साथ, डिड के साथ और विल के साथ। डू डज, डिड और विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक बात और आपको याद रखनी है
ये जो पास्ट का इंडेफिनिट होगा ना, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी यदि कोई साधारण वाक्य आप बनाओगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तो इज एम आर, वाज वर और विल बी, इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो हैज, हैव, हैड और विल हैव, इनके बाद क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और हैज हैव के बाद आपको देखना है कहीं बिन तो नहीं है, हेड के बाद बिन तो नहीं है और विल हैव के बाद बिन तो नहीं है, इनके बाद वही फिर से वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटेंस को बनाने का थोड़ा सा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, आप जो अपने सेंटेंस को बनाओगे, ठीक है, आप जो अपने सेंटेंस को बनाओगे, उस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होगा? देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है, फिर वर्ब लिखनी पड़ती है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, या फिर सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स हैं वो लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो आप सेंटेंस में देख कर ही पता लगाओगे कि भी सब्जेक्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब ये वाले जो वर्ड्स हैं, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल और ये सब जो वर्ड्स हैं आपके, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मिलने वाली है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें सेंटेंस के समय का पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये जो काम किया गया है कब का है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसी के हिसाब से वर्ब की फॉर्म से चलती है ना। अभी तो हमने सीखा था इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैज, हैव, हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज और हैव के साथ बिन आएगा तो फिर से फोर्थ फॉर्म। तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब की फॉर्म्स आपको लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आपके जो सेंटेंस में है वो आपके लग जाएंगे। तो ये तो हो गया छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम सीख रहे हैं सेंटेंस में कहां से पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है कौन से समय का है। तो देखिए, ये जो कॉन्टिन्यूटी है ना, इसका मतलब है कि ये क्या दिखाना चाहता है? ये किसी ऐसे काम के बारे में दिखाना चाहता है जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसी को कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं। यानी कि कोई काम लगातार अवस्था में है, ठीक है, लगातार हो रहा है, या फिर कोई व्यक्ति किसी काम को अभी कर ही रहा है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम या तो खत्म हो गया है या शुरू हो गया है, ठीक है। परफेक्टली में दो ही काम आते हैं, या तो वो परफेक्टली खत्म है या परफेक्टली शुरू है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें देखिए ये कॉन्टिन्यूअस भी है और ये परफेक्ट भी है, इन दोनों से मिलकर बना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें कुछ ऐसे काम है जो पास्ट के किसी समय में शुरू हुए और कुछ समय तक चले और पास्ट में खत्म हो गए, उनको पास्ट में रखना है। कुछ पास्ट में शुरू हुए और प्रेजेंट में भी चल ही रहे हैं, उनको प्रेजेंट में रखना है। कुछ फ्यूचर में शुरू होंगे और कुछ समय तक चलेंगे, ठीक है, उनको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखना है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो कोर्स है ना, ये बिल्कुल बेसिक से होगा और एडवांस लेवल तक होगा, ठीक है। इसमें आपको क्लास नोट्स और यदि आपको जो भी डाउट आता है वो डाउट जो है इसमें आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपके बिल्ड होंगे, कोई भी चीज़ रटाई नहीं जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस किया गया है इस कोर्स में। इस कोर्स का जो शुरुआती प्राइस था वो 1500 रुपये था, लेकिन अभी ये फिलहाल आपको 499 में मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से जाकर अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप का लोगो है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनको देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि भैया ये जो सेंटेंसेस हैं वो कौन से टेंस के हैं? चलिए देखते हैं कैसे पता चलता है हमें, ठीक है। पहला सेंटेंस है मैं नहीं गया। पहले एक बात और आपको याद रखनी है कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है ना, हिंदी का जो वाक्य होता है, उसमें हमें लास्ट में जाकर पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो पहले तो हमें यही पहचानना है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं गया। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई मैं नहीं गया, मतलब कब के बारे में बोल रहे हैं? प्रेजेंट के में क्या? नहीं, अब पास्ट के बारे में बोल रहे हैं कि पास्ट में कोई फंक्शन था और आप उसमें नहीं गए। तो यहां तक हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है हमारा किसका है? पास्ट का है। तुम कहां जाते हो? तुम कहां जाते हो? किसी से आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम कहां जाते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आप उससे उसके रूटीन के बारे में पूछ रहे हैं, वो जो रोजाना काम करता है ना जाने का, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि आप उसकी रोजाना की बातों के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसे आपको समझना है सेंटेंस को। देखिए, सेंटेंस को ढंग से पढ़ना चाहिए
उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कब का है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया भैया प्रेजेंट का। चलो इतना भी हमें पता चल गया। वैसे यदि हम देखें, जैसे आप और यूट्यूब पर देखते हैं तो और वीडियोस में क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में देखकर गया है, लिया है, दिया है, किया है, इनसे भी आप पता लगा सकते हैं। तो गया, लिया, दिया, किया, इनसे ये जितने भी आते हैं ये पास्ट में आते हैं, और पास्ट के किस में आते हैं, इनडेफिनेट में आते हैं, ठीक है। ताते ती वाले से आप पहचानते थे, है ना। तो इसमें क्या है, ये तुम कहाँ जाते हो, ये क्या है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है, ठीक है। वो पास्ट के इंडेफिनेट का था, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। हम किस तरह आएंगे, आप किसी से बोल रहे हैं फोन पे कि भैया हम किस तरह आएंगे हमें तो बता दो, मतलब आप फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं ना, किस तरह आएंगे। तो इससे हमें पढ़ते ही पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है। और पता देखिए कहाँ से चलता है, लास्ट के वर्ड्स से हमें पता चल जाता है। लास्ट में दो तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं उनसे हमें पता चल जाता है, ठीक है। आगे देखो, तुमने वो कैसे किया, आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई तुमने वो कैसे किया, मतलब किसी ने कोई काम कर दिया और आप उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई तुमने यह है कैसे किया, ठीक है। तो किसका सेंटेंस हो गया, पास्ट का हो गया, तो क्योंकि तुमने काम पास्ट में किया था तो ये किसका हो गया, पास्ट का हो गया। चलो इतना तो पता चल रहा है कि ये हिंदी में भी पता चल रहा है, इंग्लिश में तो आप देखते ही पता लगा दोगे कि किसका है, ठीक है। पापा आए हैं, जैसे आपके घर पे कोई दरवाजा खटखटाता है, ठीक है, आपकी मम्मी बोलती है भी जाके देखो कौन है, आप देखते हैं कि आपके पापा जी है वहां पे, आप क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं है, पापा आए हैं, है ना। तो मतलब पापा आ गए हैं प्रेजेंट में। तो कोई भी आया है, गया है, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के यदि वर्ड्स आपको दिखते हैं तो आपको उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट में बनाना है, ठीक है। और प्रेजेंट के किस में, परफेक्ट में, ठीक, प्रेजेंट के किस में, परफेक्ट में। तो पापा आए हैं, अभी आए हैं, प्रेजेंट के बारे में तो बता रहे हो क्योंकि प्रेजेंट में आपने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही आपको आपके पापा जी दिखे, तो मतलब प्रेजेंट की बात है, ठीक है। मैं काम कर रहा था, देखिए अलग ही दिख रहा है, मैं काम कर रहा था, यानी कि किसी ने आपके पास फोन किया होगा और आपने उसका फोन नहीं उठाया, और फिर दोबारा उसने फोन किया और वो बोला है तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, आपने बोला यार मैं ना काम कर रहा था, पास्ट का अलग ही दिख रहा है भैया, पास्ट में आप किसी काम को कर रहे थे, तो कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में था, अपना आप पता चल रहा है पास्ट के कॉन्टिन्यूस में है, ठीक है, किस में है, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में। मैंने खाना खा लिया है, तो कोई काम कर लिया है, कर दिया है, कर चुका है, लिया है, दिया है, किया है, किस में आते हैं, ये सब के सब आपके प्रेजेंट में आते हैं, किस में, प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट के वैसे परफेक्ट का है, ठीक है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, किसी काम को कर रहे थे, इससे ही पता चल गया कि ये पास्ट के कॉन्टिन्यूस का है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, किसका सेंटेंस है, फ्यूचर का है। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई मैं ना वहां नहीं जाऊंगा, मुझसे मत बोलो वहां जाने के लिए, ठीक है। तो किससे बोलोगे, किसी और से बोल दो लेकिन मुझसे मत बोलो, ठीक है। तो ये फ्यूचर का है, आप फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं कि भैया मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। आगे है, राहुल क्या कर रहा होगा, आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई राहुल क्या कर रहा होगा। इसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो ये कि आप उसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई उस समय राहुल क्या कर रहा होगा, तब भी आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि अभी इसी टाइम राहुल क्या कर रहा होगा, दोनों में ही सेम सेंस आएगा। तो इसको आप प्रेजेंट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपका सेंस क्या है। मैंने वो फिल्म देखी है, किसी ने आपसे बोला है और तुमने वो फिल्म देखी है, कोई मिल गया जादू वाली, आपने बोला हाँ मैंने वो फिल्म देखी है, मतलब वो प्रेजेंट तक ही पूछ रहा है कि तुमने प्रेजेंट तक देखी या नहीं है। तो ये किसका हो गया, ये भी आपका प्रेजेंट का हो गया और प्रेजेंट में भी परफेक्ट का हो गया। तो एक बार हमने ये चीज़ देखी है कि हम हिंदी में कैसे सेंटेंसेस को पहचानेंगे, ठीक है। अब चलिए हम इनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन पहले ना हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको बताया था इंग्लिश में पहचानने का तरीका क्या है, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देखकर ही पता लग जाएगा कि सेंटेंस कब का है। सेंटेंस में लिखा हुआ है दे वर आस्किंग अबाउट यू, सबसे पहले क्या आता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यह होता है कोई नॉर्मल सेंटेंस। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर मिलेगा। लेकिन इंटरोगेटिव में ये केस उल्टा है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और कई बार ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, बाकी मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। तो दे वर, अच्छा वाजवर हमने अभी सीखा था, वाजवर कहाँ पर इस्तेमाल होता है भैया, वाजवर इस्तेमाल होता है किसमें, वाजवर इस्तेमाल होता है हमारा पास्ट में। इधर मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए
तो इधर लिखेंगे प्रेजेंट वाले, इधर लिखेंगे पास्ट वाले, और इधर लिखेंगे हम फ्यूचर वाले, ठीक है। तो प्रेजेंट में किस तरह के वर्ड्स थे, इज, एम, आर, ठीक है, हैज, हैव, और इज एम आर हो गया, हैज हैव हो गया, और था आपका डू डज, ठीक है। ये तो थे प्रेजेंट में। पास्ट में कौन कौन से थे, वाज, वर, हैड, और इसके बाद था डिड। और फ्यूचर में आपका विल तो था ही हर किसी में, किसी में विल के साथ बी था, किसी में विल के साथ हैव था, ठीक है, ये चीजें थी। चलिए अब देखते हैं, तो वाज वर किस में आता है आपका, पास्ट में आता है। तो ये सेंटेंस किसका हो गया, ये सेंटेंस हो गया पास्ट का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हाउ डिड यू डू दैट, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया है आपका, डिड आ गया है। अच्छा ये सेंटेंस किस में है, मैंने देखिए इंटरोगेटिव नहीं लगाया, ये इंटरोगेटिव में है, प्रश्नवाचक में है कि तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू दैट, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले डबल एस फैमिली वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है सबके सब। तो डिड किस में था, पास्ट में था। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है, सबसे पहले डबल एस फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यू सब्जेक्ट है, और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लास्ट में दैट आपका अदर वर्ड्स में आ गया। तो ये सेंटेंस भी आपका किस में है, पास्ट में है। पापा हैज कम, हैज आ गया, हैज हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट में। ये किस में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। आई वॉज वर्किंग, तो वॉज वर्क किस में आते हैं, पास्ट में, तो ये पास्ट का है। आई हैव ईटन, हैज हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट का है। आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट गो देयर, इसमें आ गया विल, तो विल किस में आता है, फ्यूचर में, तो ये सेंटेंस किसका हो जाएगा, फ्यूचर का हो जाएगा। आई डिडंट गो, ये जो डिड है इसमें नॉट जो है कंप्रेस करके लगा दिया गया है, तो डिड किस में आता है, पास्ट में, सेंटेंस किसका हो गया, पास्ट का, ठीक है। वेयर डू यू गो, तो यहां पर फिर से डू आ गया, प्रेजेंट का हो गया, यहां पर विल आ गया, फ्यूचर का हो गया, विल आ गया, फ्यूचर का हो गया। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना डू डज इज एम आर है जय, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए सिर्फ पूरी इंग्लिश ग्रामर में टेंसेज जब हम पढ़ते हैं तो दो ही ऐसे टेंस निकल कर आते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, एक प्रेजेंट का इंडेफिनेट, क्योंकि उसको जो फॉर्मूला होता है बनाने का वो ये है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और एक है पास्ट का इंडेफिनेट, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, तो इनमें से ये कौन सा है, इनमें देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद एस ई आई एस तो नहीं है किसी में भी, और ना ये प्रेजेंट का सा लग रहा है, क्योंकि सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा, तो ये पास्ट का इंडेफिनेट है, तो ये भी पास्ट का ही हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने सीखा है, क्या सीखा है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, कब का है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि इनको हम देखेंगे कि इनकी इंग्लिश कैसे कैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हिंदी की सेंटेंसेज हैं इनकी इंग्लिश इन्हीं में छुपी हुई है, लेकिन मैंने आगे पीछे कर दिया थोड़ी सी, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कि इसकी जो जो इंग्लिश है वो क्या हो सकती है, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस है मैं नहीं गया, किसका सेंटेंस है, पास्ट का, पास्ट में किसका है, इंडेफिनेट का, ठीक है। और कैसे, किसी ने कोई काम पास्ट में नहीं किया, ठीक है, उसमें आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, वो नहीं गया, उसने नहीं लिया, उसने नहीं किया, उसने नहीं पिया, उसने नहीं खाया, उसने नहीं देखा, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो पास्ट का इंडेफिनेट है, यह हमें पता चला। अब पास्ट इंडेफिनेट इनमें कैसे पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनेट में जब नेगेटिव बनाते हैं हम तो उसमें डिड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो यहां पर देखो डिड किस किस में है, एक तो इसमें है, और डिड किस में है, एक इसमें है, और किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेज हैं जो हमारे सक्के घेरे में हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट में हैं, ठीक है। अब इनमें से देखना है काम, काम से पहचाने जाएगा। तो यहां पर हुए जाने की बात, गया, ठीक है। अब यहां पर तो कोई जाने की बात है नहीं, यहां पर तो डू है, यहां पर है जाने के बाद गो, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, किसका हो जाएगा, इसका। तो आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, आप किस में सेंटेंस पूछ रहे हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें डूडज की जरूरत पड़ती है। और इसमें से देखिए डूडज क्या है, कहाँ कहाँ पर डूडज है, एक तो यहाँ पे आया है डूडज, इनमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और कहीं पर मुझे कहीं दिखा नहीं, ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर दिखा है और कहीं पर भी नहीं है। तो तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर डू यू गो, ठीक है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का है, ये इसका है, ठीक है। हम किस तरह आएंगे, आएंगे फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर में क्या लगता है, विल,
विल देखो कहीं पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और कहां पर है, एक यहां पर है, और कहीं भी ऊपर विल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बात की गई है काम की, आने की। अब आना आने का मतलब होता है कम, तो एक इसमें कम है, इसमें कहीं भी कम नहीं है, ठीक है, इसमें भी कहीं भी कम नहीं है। तो हाउ विल वी कम, हम किस तरह आएंगे, ये आपका किसका हो जाएगा, इसका सेंटेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के भी आपको यहां पर पहचानने हैं कि इनमें से किसका कौन सा इंग्लिश है। यदि आपने पहचान लिए तो समझ लो आपको टेंसेज अच्छे से समझ में आ गए, टेंसेज आपको आ गए हैं, आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। और यदि टेंसेज को आपको डिटेल में सीखना है, देखिए मैंने टेंसेज नहीं सिखाए हैं, सिर्फ ये सिखाया है कि पहचानना कैसे है। अगर आपको टेंसेज को डिटेल में सीखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो टेंसेज बाय चिंटू सर, आपको जो वीडियो मिलेगी ना सबसे पहले, उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, एक घंटे की वीडियो है, आप दो गुना की स्पीड पे करके उसको देख सकते हैं, आध घंटे में ही आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि टेंसेज को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। और हमारी जो ई बुक्स वगैरह है, देखिए वीडियो के नीचे आपको दिख रही होंगी, यहाँ से जाकर आप उनको परचेज कर सकते हैं, कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।